छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के मुद्दे को लेकर प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। एक और भाजपा शराबबंदी के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार पर पदाखिलाफी का आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए इसे दुष्प्रचार बता रही है। कांग्रेस पार्टी मुख्यालय राजीव भवन एक प्रेसवार्ता में भाजपा द्वारा कांग्रेस के घोषणा पत्र के वादों को लेकर गंगाजल की कसम जो भ्रम फैलाया जा रहा है उस पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। कांग्रेस पार्टी भाजपा के झूठ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी, नोटिस दिया जाएगा, माफी मांगने की मांग करेंगे, फिर भी नहीं माने रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल ने कहा, भाजपा अफवाह और भ्रम फैला रही है। भाजपा हाथ में गंगा जल लेकर ये कसम खाए कि कांग्रेस ने गंगा जल लेकर घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की बात कही थी। वहीं आरपी सिंह ने कहा कि बीजेपी झूठ बोलने की राजनीति करती है। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा, भाजपा गंगा जल के नाम पर झूठ बोल रही है, भाजपा कर्ज माफी को लेकर ऐसा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने गंगा जल सम्मान यात्रा आरंभ की। ये गंगा जल का कैसा सम्मान है कि गंगा जल का नाम लेकर झूठ बोल रही है भारतीय जनता पार्टी। गंगा जल को तो अभी हाल ही में हमने 2 दिन पहले गंगा पूजन किया है। गंगा जल को तो हम पवित्र मानते हैं।